वहीं से स्टार्ट बेटा। यस्टरडे वी रोट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, की पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने आपको, एंड वो की पॉइंट्स भी आज हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, और हो सकता है मैं थोड़े से और भी आपको साथ साथ लिखवाती रहूंगी। तो आई होप सबने वो पेज छोड़ा हुआ है, वहां पे उसके साथ स्पेस छोड़ी हुई है ना। हाथ खड़ी करो जिन्होंने प्रॉपरली लिखा था उनको पॉइंट वाइज, और अभी भी स्पेस उसके साथ वाले पे छोड़ा हुआ है, सो दैट वी कैन ऐड मोर पॉइंट्स इनटू दैट। वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट, ताकि आप बाद में उसको चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर पाओ। फिर आपको बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ क्या लिखा हुआ था। यू विल रीड दीज की पॉइंट्स, उसके बाद डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पे आ जाओगे और अपने रिविजन कर। ओके बेटा, येस्टरडे वी डिड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल। उसमें आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थी बेटा। ओके ओके बेटा, यस, क्वेश्चन नंबर टू। आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो जो आपने सिक्स में पढ़ा है ट्राइंगल्स के बारे में, और जो कुछ आप अभी सीख रहे हो, वो सब कुछ यूज होने वाला है, राइट? क्वेश्चन नंबर टू, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू में कोई डायग्राम बनाई नहीं हुई है, दे आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल एबीसी, बट वो ट्राइंगल ड्रॉ नहीं किया हुआ है, लेकिन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम देख पाए कि उनकी पोजीशन एबीसी की कहाँ है और व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, ठीक है? आई टोल्ड यू ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन आप बिना फिगर के नहीं करोगे, वेदर इट इज गिवन इन पेपर और नॉट, यू हैव टू ड्रॉ इट। ओके, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज 100 डिग्री, लेट अस ड्रॉ इट। क्वेश्चन नंबर टू, फिगर ड्रॉ करो, ट्राइंगल शुड बी नीटली ड्रॉन, अपनी फोर लाइंस अपनी नोटबुक की आपकी फिगर के लिए यूज होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन फिगर के लिए फोर लाइंस को यूज करो, ताकि लेबलिंग भी हो पाए अच्छे से। राइट डाउन एबीसी, जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं, ए को ऊपर लिखते हैं, बी सी को इधर लिखते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मोस्टली ऐसे ही लिखा जाता है, राइट? तो इट इज गिवन एंगल ए इज 100 डिग्री, दिस एंगल इज गिवन टू बी 100 डिग्री। अगर आपके अंदर स्पेस ना हो यहाँ पे लिखने के लिए, तो आप एरो डाल के इधर मेंशन भी कर सकते हो, ट्राइंगल के बाहर भी आप एरो लगा के बता सकते हो कि दिस होल एंगल इज 100 डिग्री, एडी बाइसेक्स एंगल ए, एडी बाइसेक्स एंगल ए, डी मैंने इधर ड्रॉ किया है। जो जो आपको अभी तक क्वेश्चन में बताया गया है, राइट डाउन ऑल्सो, गिवन में यहाँ पे लिख लो क्या क्या गिवन था आपको। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, बहुत नीटली आपका लिखा होना चाहिए, दूर दूर, ठीक है? एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, मेंशन करो वन एंड टू, यस। ए सेक्शन 7A, अनमोल, अनमोल इज देयर, ए सेक्शन कंबाइन है। ओके अनमोल प्लीज कम फॉरवर्ड, मेरे को ये बताओ कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू क्यों लिखा है मैंने? Why we have written here angle one is equal to angle two? क्या गिवन था क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। इट वॉज रिटन ट्राइंगल एबीसी है, एंगल ए हमें 100 डिग्री दिया हुआ है, पूरा का पूरा एंगल ए दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी रोट हियर एंगल ए इज इक्वल टू 100। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, शीट पे पढ़ो जरा, माइक के पास आओ और पढ़ो उसको कि उसके बाद क्या दिया हुआ है। AD बाइसेक्स एंगल ए एंड AD बस बस बस,
बीसी बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब क्या है? डी बाइसेक्ट एंगल ए विंडो भी खुली हुई है आपके पीछे, क्या होता है? आगे वाले भी खुली है। देखो बाइसेक्स एंगल देखो क्या हाल है क्लास अभी क्या है पता है आपको? हाँ में। मैम डिवाइड करता है, पूरा बताओ। इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू डिफरेंट पार्ट्स पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट्स ओके, एडी स्क्वायर एंगल ए को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में। ओके सिट डाउन, सिट डाउन। आपकी जो नॉलेज है ना बेटा वो अधूरी नहीं होनी चाहिए, तो बस डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बाइसेक्ट मीन्स, बाइसेक्ट का मतलब होता है जिसको नहीं पता, राइट डाउन टू इक्वल पार्ट्स। कहीं भी आप ये वर्ड पढ़ोगे तो इसका मीनिंग ये होता है, बाई मीन्स टू, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स उसके बनते हैं। डिफरेंट पार्ट्स नहीं बोलना, डिफरेंट पार्ट्स में छोटे बड़े भी हो सकते हैं। प्लीज रिमेम्बर, ये अपनी नॉलेज के लिए लिख लो जिसको लिखना है। अपने पॉइंट्स आपके रेडी होने चाहिए, ये सारे आपके पॉइंट्स के की पॉइंट्स के बीच में ये चीज आनी चाहिए कि एडी बाइसेक्ट का मतलब है कि उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये ज्योमेट्री की लैंग्वेज है, जो भी आप ज्योमेट्री के चैप्टर करोगे आप ये पढ़ोगे बार बार। ओके की पॉइंट्स में अपने लिख लो ये चीज, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। नाउ बी सेक्शन, बी सेक्शन खुशप्रीत, ओके यू आर हियर ओनली, व्हाट इज द मेजरमेंट एंगल वन और एंगल टू? मैंने इक्वल तो लिख दिया, फिफ्टी 50 एंगल 1 इक्वल्स टू 50 एंगल 2 इक्वल्स टू 50। अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे 50 कहां से आ गया, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 100/2 इज इक्वल टू 50। दिस इज फाइन, वेरी गुड। आपको ये पता चल गया कि हमारा एंगल वन और एंगल टू दोनों जो है वो ओके। नाउ नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट एडी इज परपेंडिकुलर बी सी। एडी इज परपेंडिकुलर बी सी, मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूं अपने ट्राइंगल के बीच में। प्लीज टेल मी जानवी, डी सेक्शन व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एडी परपेंडिकुलर बीसी है तो उसको हम क्या लिखे, क्या यूज करेंगे ट्रायंगल में उसका? परपेंडिकुलर क्या करता है? परपेंडिकुलर ओके जानवी सिट डाउन, ध्यान से सुनो। राघव एफ सेक्शन, प्रेजेंट। जानवी आई विल कॉल यू अगेन, बेटा ध्यान से सुनो क्या कर रहे हैं हम अभी। परपेंडिकुलर क्या करता है, क्या काम होता है उसका? राघव एफ सेक्शन प्रेजेंट है, कैसा हो राघव इज प्रेजेंट बेटा, रहा नहीं बेटा एडी परपेंडिकुलर बीसी क्या करेगा? बाइसेप्ट? नो बाइसेक्ट इज डिफरेंट, ओके बैठो अभी आप भी ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बुलाऊंगी। नवदीप जी सेक्शन, आगे कम फॉरवर्ड, करो ना माइक इसके हाँ जी बताओ बेटा। परपेंडिकुलर एडी इज परपेंडिकुलर बीसी, क्या करेगा वो? माइक इज नॉट वर्किंग, व्हाट आर यू सेइंग? थोड़ा लाउडली बोलो। 90 डिग्री। 90 डिग्री एडी जो है वो 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे। ओके यस वेरी गुड, सिट डाउन। प्लीज राइट डाउन, ये जो बच्चे हैं इन्होंने मेरे को आपको बेटा ये जिन्होंने बताया था कि परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है,
बाइसेक्टर का अलग से काम है और परपेंडिकुलर का अलग से काम है, इज इट? परपेंडिकुलर क्या करेगा? ये आपका ए पॉइंट है जो आपने नोट्स में लिखा है, आपने की पॉइंट्स के बीच में लिखो उनको। सेकेंड पॉइंट इज परपेंडिकुलर, जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी वो क्या करेगी? मेक्स 90 डिग्री एंगल, उसका नाम ही परपेंडिकुलर इसलिए पड़ा है कि उसने एक स्पेशल काम करना है। उसका स्पेशल नाम हमने रख दिया लाइन का परपेंडिकुलर, क्योंकि उसने इसका स्पेशल काम ये है कि उसने 90 डिग्री एंगल बनाना है। जिसके ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करेगा उसके ऊपर वो 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए उसका नाम परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर का काम क्या है? जिसके ऊपर वो गिरेगा, जिसके ऊपर फॉल करेगा बाइसेक्टर, उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है? साइड के ऊपर गिरेगा तो साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, अगर एंगल को ही से कर रहे हैं, एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उसका ये काम है। इज इट क्लियर नाउ? जो बच्चे पहले मेरे पास आए थे जिन्होंने रॉन्ग बताया था, एंड जानवी अंडरस्टूड बेटर, रेज योर हैंड। ओके, नाउ दे आर आस्किंग अबाउट एंगल बी, एंगल बी की बात हो रही है, फाइंड आउट नाउ, ठीक है? ये 50 डिग्री आ गया, हमने वी हैव टू फाइंड, राइट डाउन, टू फाइंड एंगल बी, सेवल राइट? तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? आपने लिखा एडी बाइसेक्स, जो जो हमें गिवन है उसको हम लिखेंगे पहले बाइसेक्स एंगल ए, देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, जो आपने गिवन में भी लिख दिया था। मैं दोबारा यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि वाई वी आर यूजिंग वन इज इक्वल टू टू, बिकॉज एडी वॉज द बाइसेक्टर, ठीक है? दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री, आपने अभी अभी बताया मेरे को। और एंगल डी हमारे पास है 90 डिग्री, वाई? बिकॉज एडी इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को साइन ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ परपेंडिकुलर, उल्टा टी डाल के उसके साथ आर लिख दो, ये शॉर्ट फॉर्म है परपेंडिकुलर की, ठीक है? अब आप बड़ी क्लास में जा रहे हो तो सब थोड़े थोड़े शॉर्टकट हम सीखते जाएंगे, फाइन? अब आपको एंगल बी निकालना है, ध्यान से एंगल बी को देखो और थोड़ा सा सोचो, ट्राइंगल को देखो ध्यान से और मेरे को बताओ कि एंगल बी कैसे निकालो। लुक एट योर नोटबुक, लुक एट द एंगल, जो जो अभी हमने निकाले हैं उनको यूज करो और एंगल बी निकालो। मैनी चिल्ड्रन आर डूइंग, यस पुनीत, सी सेक्शन, पुनीत इज प्रेजेंट, थोड़ा जल्दी आओ बेटे आगे, सी सेक्शन, पुनीत थोड़ा जल्दी उठ के आया करो, ओके? फास्ट आया करो थोड़ा, स्लो ही रखना, यस बेटा, यस हाँ जी बताओगे बेटे एंगल बी क्या होगा आपके पास? बेटे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, देखो ट्रायंगल की ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, फर्स्ट टाइम कर रहे हो ऐसा चैप्टर। देखो सबसे पहले ना आपके पास ये पता होना चाहिए कि हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं ना उसको पहले ध्यान से हमें देखना है। एंगल बी आपका यहाँ पे है, ये एंगल आपको पता चल चुका है, ये एंगल आपको पता चल चुका है, ठीक है? तो अब आप हाफ ट्राइंगल को भी देख सकते हो, सिर्फ इस ट्राइंगल को भी देख सकते हो आप, ये नहीं कि हमने पूरे के पूरे को ही यूज करना है। हाफ ट्राइंगल को यूज करके, ए बी डी को यूज करके आप बताओ एंगल बी क्या है? ये एंगल आपको पता है 50 डिग्री है, ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री है, तो क्या आप एंगल बी निकाल सकते हो? पुनीत आई एम वेटिंग फॉर यू,
हाँ जी बेटा, 140। मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मेरे को ये बताओ कैसे निकालोगे, मेथड बताओगे। किसी भी ट्रायंगल में आपको दो एंगल पता होते हैं तो तीसरा एंगल कैसे निकालोगे? करूंगी एडिशन करके? यस। किन किन को ऐड करोगे? हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी, क्या करोगे इसमें? एडिशन करोगे, आपने किया 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, कितना होना चाहिए? 180 इज फाइन, ठीक है ये? पुनीत आई एम आस्किंग यू, Yes। यस। इसकी क्या प्रॉपर्टी लिखे, क्यों आया ये 180 डिग्री, क्यों आया? प्रॉपर्टी एक्सेलेंट, यस, कॉन्फिडेंटली बोलो, यस, डाउट नहीं होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी, वेरी गुड। ये प्रॉपर्टी तो बहुत बार ये आपकी यूज होगी, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में आपकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, और उसको लिखना भी है। नहीं लिखोगे तो आपकी रीजन के बिना कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मैंने बोला था कोई स्टेप आपने बिना रीजन के नहीं करनी, राइट? अब बताओ यहाँ पे 40 एंगल बी कितना होगा बेटा, फाइंड आउट करो। 42, 40, 40, वेरी गुड, 40, वेरी गुड। 180 माइनस 140 क्या? ओके सिद्धांत बेटा, मैंने देखा है जब बच्चे बताते हैं ना आंसर माइक के पास आके, वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, है ना? आती हुई चीज भी आपको कई बार यू कांट स्पीक प्रॉपरली, आपको लगता है कि डाउट होता है कि शायद पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, तो अगर गलत भी बताओगे तो डजेंट मैटर, ठीक है? खुल के बोलो, आप बताओ कि हाँ ये है वो है, जो आपके माइंड में है बताओ। रॉन्ग भी होगा तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आज रॉन्ग होगा तो कल ठीक भी हो जाना है वो। आर पर्पस इज टू डू इट नाइसली, और ये मैं आपको स्लो क्वेश्चन करवा रही हूँ बिकॉज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, राइट? थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। आई एम राइटिंग द आंसर हियर बेटा, एंगल बी आपके पास 40 डिग्री आ रहा है, एंड ऑप्शन एक बार मैच कर लो, और किसी को डाउट है एक बार खड़े होकर पूछ लो, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? मैं एक बार दोबारा रिवाइज करूंगी, ये आपकी ऑप्शन आ रही है इसमें 40 डिग्री, एंगल बी निकालना था ना आपने, तो एंगल बी यस 40 डिग्री, सी ऑप्शन आ रही है, राइट? सी ऑप्शन इज 40। किसको कोई डाउट है, पूछना है कुछ किसी ने? खुद रिवाइज करो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, अपनी नोटबुक से रिवाइज करो एक एक स्टेप की, कौन सा स्टेप कैसे आया, एंड आस्क मी, कुछ पूछना है। होने लगा आई एम राइटिंग बेटा, एक बार दोबारा मैं रिवाइज कर रही हूँ पूरा क्वेश्चन, राइट? होल क्वेश्चन इज हियर, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट वंस मोर। लुक हियर, क्वेश्चन आपको दिया हुआ था वन ट्राइंगल ए बी सी, ओके? उसमें आपको ए डी वॉज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई थी। तो जब उन्होंने बताया कि एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो हमें ये पता चल गया कि वो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? तो जैसे ही हमें पता चला कि उसके 2 इक्वल पार्ट्स हैं, तो हमने क्या किया, उसको 1 और 2 मेंशन करके हमने क्विकली लिख लिया कि 1 इज इक्वल टू 2 है। दिस इज फाइन, यहां तक तो क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है यहां पे? ठीक है, ए एंगल हमें 100 डिग्री पता था, तो हमने क्या किया, 100 के 2 इक्वल पार्ट्स कर लिए, और हमने बता दिया कि हर एक एंगल उसका 50 डिग्री का है, ओके? सेकेंड थिंग दे टोल्ड कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है, एडी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो हमें ये पता चल गया कि ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ओके? तो बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हमें एक ट्रायंगल के अंदर, ये जो हमारा ट्रायंगल था ये वाला, इसमें हमें दो चीजें पता चल गई,
वी केम टू नो टू एंगल्स, ऊपर वाला 50 डिग्री और नीचे वाला हमें 90 डिग्री पता चल गया. ओके एंड हमें एंगल बी निकालना था यहाँ पे. एंगल अच्छा बी निकालने के लिए वी गॉट वेरी गुड इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो बी एंगल आप देखोगे कि बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है. केयरफुली अगर बिगर ट्रायंगल देखें ई बी सी, एंगल बी उसमें भी आ रहा है. छोटे वाला ट्रायंगल देखो ए बी डी, एंगल बी उसमें भी आ रहा है. तो हम एंगल बी कहीं से भी निकाल सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें पता है उसके हिसाब से हम बी निकाल लेंगे. हम बड़ा यूज करें या छोटा यूज करें वो हमारे पे डिपेंड करता है, हमारी मर्जी है, वो जैसे मर्जी करो. ओके, तो हमें ये पता चल गया कि छोटे ट्रायंगल में हमें ट्रू एंगल्स पता है, तो हमने जल्दी से थर्ड एंगल निकाल लिया. एंगल सम प्रॉब्लम, इज इट क्लियर? तो थर्ड एंगल आपका आ गया बी इज इक्वल टू 40. दैट्स इट. बड़ा ट्रायंगल अगर नहीं यूज हुआ तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. हम अपनी आंसर तक पहुंच गए. हमारा जो एम था बी एंगल निकालना, वहां तक हमने निकाल लिया एंड दैट्स इट. अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया. यू शुड नो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है. एक एक ही क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, एक बार जल्दी से देख लो. मैं आपसे पूछने वाली हूँ, अभी सामने ये क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे को ये बताना कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें यूज हुई. ध्यान से पढ़ लो, चाहे नोटबुक पे पढ़ो चाहे बोर्ड पे पढ़ो. आई एम गोइंग टू आस्क यू. रीड इट केयरफुली. एक ही क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने यूज की. ई सेक्शन रोहित, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ के बताना है बस आपने. रोहित आगे आ जाओ बेटा. यस, कॉन्फिडेंटली बताओ, चाहे एक बता दो, अगर आपको बाकी दो नहीं दिख रही है इट्स ओके, डरना नहीं है. हाँ जी, हाँ जी बेटा, गर्ल्स सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना. यस ओके वेरी गुड, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी ये भी यूज हो रही है, फाइन. कोई और दिख रही है आपको. पेंटिकुलर, परपेंडिकुलर, यस परपेंडिकुलर दिख रहे हैं. परपेंडिकुलर को आपने यूज किया यहाँ पे, यहाँ पे यूज किया. सेकेंड प्रॉपर्टी आपको दिख गई, यस. थर्ड, ओके बैठो, सिदाम बेटा सिदाम. समरजीत, समरजीत ई सेक्शन. प्लीज टेल मी, उसे दो प्रॉपर्टीज बता दी इस क्वेश्चन में जो यूज हुई थी, थर्ड प्रॉपर्टी बताओगे. कोई और दिख रही है आपको यहाँ पे. एंड डिवाइस एक्स, दोबारा बोलो, दोबारा बेटा. डिवाइस बाइसेक्स, क्या कंप्लीटली बताओ. बाइसेक्स एक वर्ड है ना, कंप्लीटली बताओ क्या बाइसेक्स कर, कौन किस बाइसेक्स. हाँ, अभी जी सेक्शन से भी आई थिंक एक बच्चा बताना चाहता है. यस बेटा बताओ, बाइसेक्टर कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बताओगे कंप्लीटली बताओ मेरे को. बोलो बोलो, यस. मैं एबी एडी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को. ओके चलो वेरी गुड, बैठो. मैंने पता आपसे क्यों पूछा है ये बार, बार कि किसको बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपका जो बाइसेक्टर है वो साइड को भी बाइसेक्ट कर सकता है, एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, कर सकता है. किसी क्वेश्चन में वो साइड को बाइसेक्ट करेगा, किसी क्वेश्चन में वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा. तो इस क्वेश्चन में हमारा वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है. हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हमने यूज किया और 50 डिग्री निकाला. तीन प्रॉपर्टीज हमने लगाई, अपनी नॉलेज अप्लाई की, जो गिवन थी चीजें
इनडायरेक्ट वे में हमें चीजें दी हुई थी, उनको हमने अपनी नॉलेज से एंगल की फॉर्म में चेंज करके हमने अपना क्वेश्चन निकाल लिया। इज इट फाइन? ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन में आपने ध्यान से उसको देखना है कि क्या क्या इसमें यूज हो रहा है, क्या क्या हम एंगल निकाल सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दिस इज आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, रेज योर हैंड। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन भी था, थोड़ा सोचने वाला था, इसलिए हमने इतना टाइम स्पेंड किया इस पे। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बेटा, रीड इट। क्वेश्चन रीड करो। यस, क्वेश्चन नंबर थ्री। इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नॉट ड्रॉन टू स्केल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपका जो ट्रायंगल बना हुआ है उसको मेजर करके नहीं बनाया हुआ है, ठीक है? नॉर्मली उसको बनाया हुआ है तो हमने भी इसको ऐसे ही बनाना है, उसको मेजर करने की जरूरत नहीं है आपको। थर्ड क्वेश्चन, यू कैन ड्रॉ द ट्रायंगल। अपनी नोटबुक की फोर लाइंस यूज करो, फिगर नीटली होनी चाहिए ताकि आपको सब कुछ उसमें दिखे। ओके, इन द फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें बेटा गिवन फिगर में जो जो मैं आपको ए बी सी जहां जहां उसकी पोजीशन दी है वही वही हमने लिखनी है। ओके, गिवन फिगर को हम चेंज नहीं करेंगे। ये डी सेक्शन मैं देख रही हूँ कई बच्चे अभी लिख नहीं रहे हैं। ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द मॉड्यूल, फर्स्ट बेंच बॉयज ए बी सी एंड देन इट इज डी पॉइंट ओवर हियर, दिस इज डी पॉइंट। ओके, गिवन में आपके पास है, राइट डाउन गिवन क्या चीज है आपको। तो अभी हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा है, साथ साथ में गिवन लिखेंगे। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है? इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब ये तो सेंटेंस हो गया कि हाँ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैथमेटिकल वे में हम कैसे लिखेंगे इसको? इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? Which have all sides equal. ऑल साइड इक्वल, तो आप लिख दो यहाँ पे दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब ये, ठीक है? देन इट इज गिवन ए बी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड ए बी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें क्या बताता है? क्या पता चलता है आइसोसेलेस से आपको? समर, एफ सेक्शन। यस, आ गया बेटा। आइसोसेलेस ट्राइंगल का तो नाम सुना ही होगा आपने। दैट इज करके क्या लिखे, कौन सी साइड्स आपस में इक्वल हैं? समझ ए पा? हाँ जी बताओ बेटा। यस एडी हाँ, पूरा बताओ, कंप्लीटली बताओ। एडी ED इज इक्वल टू BD। वेरी गुड, सिट डाउन। जो जो उन्होंने नाम बताए थे हमने उनको अपनी नॉलेज में कन्वर्ट कर लिया कि हाँ हमें ये पता है इसके बारे में, राइट? देन फाइंड एंगल एक्स। टू फाइंड
टू फाइंड एंगल एक्स। ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं, ठीक है। गिवन लिखो पहले, जो जो चीजें आपको दी हुई हैं उनकी लिस्ट बना लो, ठीक है, समरी बना लो ऊपर गिवन में, ताकि हम उसको यूज कर पाए, और जो फाइंड आउट करना है उसको भी लिख लो। अभी हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, अभी हम क्वेश्चन के बारे में सोचना शुरू करेंगे कि हम एक्स तक कैसे पहुंचे, ठीक है। अभी अपनी फिगर में जो आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया उसे मेंशन करो सब कुछ, ठीक है। क्या क्या हमें गिवन था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो हमने तीनों पे छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर दी। ये लाइंस हमें क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपने बताया कि ये टू साइड्स आपस में इक्वल हैं, इन पे डबल लाइन मेंशन करो, क्योंकि सिंगल बनाओगे तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम बाहर वाले की बात कर रहे हैं या अंदर वाले की बात कर रहे हैं। दो डबल वाली आपस में मिल रही हैं तो वो आइसोसेलेस हो गया, राइट। और क्या गिवन है आपको, 88 डिग्री गिवन है, इसको भी मेंशन करो, बाहर लिखो इसको अगर अंदर जगह नहीं है, ये नहीं कि बहुत छोटा सा लिख दे जो आपको भी ना दिखे और टीचर को भी ना पता चले। अगर आपकी वहां पे स्पेस नहीं है, एरो डाल के उसको बाहर लिख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड एक्स, एक्स को भी यू कैन राइट आउटसाइड, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा इसको बाहर लिखो। कई बार स्टूडेंट्स उसको छोटी सी फिगर बना देते हैं, टू लाइंस में आपकी जो नोटबुक की टू लाइंस तो बहुत ही छोटी सी होती है, इवन थ्री में भी बहुत छोटी सी फिगर बनती है, और कुछ मेंशन नहीं कर पाते आप, ठीक है, कुछ दिखता ही नहीं है डायग्राम में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ठीक है। अच्छी सी फिगर होनी चाहिए, चाहे पेन से बनाओ डजंट मैटर, नीट एंड क्लीन आपका सब कुछ मेंशन होना चाहिए उसमें, हमने फाइंड आउट करना है एक्स, ठीक है। अब जो जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसको हम यूज करते हैं वन बाय वन। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है, और आपको दिख रहा है कि एक्स बहुत छोटा सा एंगल है, ये पूरा एंगल नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है वन थिंग यू नो वेरी वेल, कि अगर हमें पूरा एंगल पता चल जाए और साथ में बी का पता चल जाए, आपको ये देख रहे हो इसको ध्यान से, अगर मैं इसको बाहर ड्रॉ करूं, आपका ऐसे एंगल है ये वाला बी, यहाँ पे आपका एक्स है, तो ये एक्स हमें फाइंड आउट करना, जो चीज हमने निकालनी है उसको ध्यान से देखो। अगर हमें पूरे बी के बारे में पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है, साथ डिग्री में एंगल वन के बारे में पता चल जाए तो भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अभी किसने बताया था, आई हर्ड समबडी, किसी ने कुछ बोला था, डिग्री बाय रीजन क्या लिखोगे, इक्विलेटरल मैम, बिकॉज एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्रायंगल एंड ऑल वेरी वेरी गुड, राइट डाउन, जो चीज आपको पता है वहां से आंसर शुरू कर दो, राइट, राइट डाउन, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है, गिवन देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल शॉर्ट फॉर्म में हमने इसका रीजन लिखना है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, मैंने कल आपको उसमें की पॉइंट्स में भी लिखवाया था, और वो फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता, ऐसे नहीं कि कभी 40 डिग्री सारे के सारे 40 बन गए, कभी कुछ और बन गए, कभी कुछ और बन गए, नो, यू नो 16 into 3 is 180, कल हमने मैंने की पॉइंट्स में भी आपको लिखवाया था, दैट्स व्हाई ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तीनों हमारे 60 डिग्री के हो गए, तो इसका मतलब आपको एंगल बी हमने फोकस करना है एक्स के आसपास देखते रहो कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ओके, नाउ एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री,
हमने तो बी को फोकस करना है ना, बी के बारे में पता चल गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल ने तो अपना काम कर दिया। नाउ कम टू अदर इंफॉर्मेशन जो हमें दी हुई थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। हाउ विल यू यूज आइसोसेलेस को, कैसे यूज करोगे सोचो थोड़ा सा। मैम, प्रॉपर्टी एंगल टी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल टी इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे निकाला आपने? मैम आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैम इट इज 90 डिग्री एल्टीट्यूड एंड मीडियम। बच्चे यहाँ पे ना हमारे पास ना तो ऑल्टीट्यूड है या मीडियम भी नहीं है और ऑल्टीट्यूड भी नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक बोला, प्रॉपर्टी उसकी लगती है। हमारा अगर रफ में अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, कल मैंने आपको बताया था कि जो मीडियन होता है वही परपेंडिकुलर होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। बट इस क्वेश्चन में ना तो मीडियन है ना परपेंडिकुलर है, तो हम वो प्रॉपर्टी तो यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। ऑल्दो वो ठीक है बट इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा उसका। कुछ और सोचो, आपको साइड्स दी हुई है इक्वल, आपको पता है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स हैं, और आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है कि अगर इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। डिड यू रीड इट? पता है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल होते हैं एंगल्स? ओके, देन राइट डाउन, राइट डाउन एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे लिखो इसको, डायग्राम में 1 एंड 2 मेंशन कर दो बेटा। छोटे वाले एंगल्स, छोटे वाले एंगल्स को 1 एंड 2 मेंशन करो, क्योंकि अभी उनकी बारी है, उनके बारे में हमने बताना है। ओके, बाद नाउ एंगल बी हमें कंप्लीटली पता चल गया कि 60 डिग्री एंगल है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी। ए डी इज इक्वल टू बी डी क्यों है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए डी इज इक्वल टू बी डी है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन लिखो इसका, एंगल्स अपोजिट जा टू इक्वल साइड्स। किस किस को ये पता था कि इक्वल साइड्स होती है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं आमने सामने वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल में? ओके, नहीं पता ना आपको, याद भी नहीं आ रहा होगा, हमने पढ़ा पहले। प्लीज अपने की पॉइंट्स में लिखो इसको, पेज टर्न करो पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, बहुत बार यूज होगी आपकी। की पॉइंट्स की लिस्ट आपके पास बड़ी हुई है, उसमें एक पॉइंट लिखो, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको। आई एम राइटिंग हियर, आप भी लिखोगे वहां पे। एंगल एक्स इक्वल्स टू 16 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 16 डिग्री 16 डिग्री। ओके, और किसने निकाल लिया ये क्वेश्चन? मेरे को मेथड बताओ आगे आके, हाउ डिड यू डू? 14 डिग्री। किसने निकाला है? मैम सिक्सटी आपने बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल 1 एंड 2 इक्वल है। यस, मैम तो 180 डिग्री से माइनस कर दी, 88 डिग्री को माइनस कर दिया। हाँ मैम उसके बाद 92 डिग्री को 2 के साथ डिवाइड कर दिया। 14। ओके ओके, सिट डाउन नाउ, सी व्हाट इज योर मिस्टेक। लुक हियर, आई एम गोइंग टू डू, 1 इज इक्वल टू 2 हमने बताया। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का एंगल सम जो है 180 डिग्री है, ठीक है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो वी कैन डू एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 88 डिग्री इज इक्वल टू 180। लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 88 आपको दिया हुआ था, पता है ना? तो आपके पास एंगल 1 कितना आएगा, फाइंड आउट।
ट्वाइस ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू 180 माइनस 88, प्लीज फाइंड आउट कितना आ रहा है। 92, यस। एंगल वन कितना आएगा? 46 डिग्री 46 डिग्री, यस। एंगल वन इज इक्वल टू 46, 46 डिग्री, यस। एंगल वन आपके पास 46 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब एंगल टू भी आपके पास 46 है, ठीक है। 146 है तो 2 भी 46 होगा, दोनों इक्वल है। आई एम राइटिंग बिलो, मैं अभी रब नहीं कर रही क्योंकि मेरे को दोबारा एक्सप्लेन करूंगी मैं पूरा क्वेश्चन, ये मैं नीचे लिख रही हूँ इसको। एंगल टू इज इक्वल टू 46 डिग्री, ठीक है। तो अभी एक्स कैसे आएगा? एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री -46 डिग्री व्हाट इज दिस देन? 14 डिग्री, 14 डिग्री एक्स इज इक्वल टू 14 डिग्री, ठीक है। मैंने इसको इधर ही कंप्लीट किया है क्वेश्चन को, बिकॉज सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट वंस मोर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। वो प्रॉपर्टी मैं अभी लिखवाती हूँ आपको, आपकी की पॉइंट्स पे जो ऐड करनी है, पहले इसको क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ आपको बेटा थोड़े से ना ट्रिक्स अप्लाई करने पड़ेंगे इसके ज्योमेट्री के चैप्टर क्वेश्चन में, ट्रायंगल के चैप्टर में स्पेशली। धीरे धीरे आपको ये देखना है कि बेसिकली कि जो चीज हमें गिवन है उसके पास हमने उसको हमने यूज करना है, और जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है धीरे धीरे हमने उसके पास पहुंचना है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ पूरा क्वेश्चन, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, लिसन हियर ऑल ऑफ यू। ट्राइंगल की जो आपको दिया हुआ था फिगर जो दी हुई थी उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि एबीसी ट्राइंगल जो बड़ा वाला है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें बता रहे हैं कि उसकी सारी तीनों जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, ओके। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है आपको एबीडी, उसमें वी नो हमें खुद पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू बीडी कर लिया, और वैसे वो क्वेश्चन में दिया भी हुआ। अगर ना दिया हो एडी इज इक्वल टू बी डी, तो खुद भी उसको लिख सकते हो आप, ठीक है बेटा। ये दो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत अच्छे दी हुई थी, लिसन यू वेरी केयरफुली, ओके। एडी इज इक्वल टू बी डी वॉज गिवन, एंड ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, और उसके बाद हमने इसको यूज किया। हमने बताया कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, प्रॉपर्टी लगाई। एक प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे लगी, एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसको यूज करके आपने बी इज इक्वल टू 60 डिग्री लिया, ठीक है। हम निकालने को तो डी भी निकाल सकते हैं, ऊपर वाला सी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें मतलब सिर्फ बी से है क्योंकि एक्स एंगल जो है वो बी के पास है, इसलिए। इज इट अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कि हमने तीनों एंगल बताया था कि वो 60 डिग्री है, ए भी 60 है, बी भी 60 है, सी भी 60 है, बट हमने बी को क्यों यूज किया? क्योंकि बी हमारे काम का एंगल है, क्योंकि वो एक्स के पास है। जो चीज हमें एंगल फाइंड आउट करना है वी विल गो क्लोजर टू इट, ओके। तो हमने बी को फोकस किया और बी को हमने यूज करके हम आगे चले। बी हमने बता दिया 60 डिग्री, अभी अभी निकाला हमने। उसके बाद हमें बताया हुआ है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है अंदर वाला एडीबी। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी हमने लगाई कि अगर उसकी टू साइड्स इक्वल हैं देन उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी है, मैं अभी आपको लिखवाऊंगी सेंटेंस फॉर्म में, जो आपकी पॉइंट्स में अपनी ऐड कर लेना, ठीक है। ये भी आपकी बार बार यूज होगी, तो वही चीज हमने यहाँ पे यूज किया है कि अगर टू साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल उसके कौन से हैं? एंगल वन एंड एंगल टू, छोटे वाले। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ये भी यूज हुई यहाँ पे आइसोसेलेस के बारे में, ठीक है। नाउ उसको यूज करके हमने क्या किया, छोटे वाले ट्रायंगल की बात की, फिर हमने इसकी बात की, छोटे वाले ट्रायंगल को हमने फोकस किया और हमने निकाला कि एंगल वन इज इक्वल टू 46 डिग्री है। एंगल वन निकाल लो या एंगल टू निकाल लो, क्योंकि दोनों इक्वल ही है वो आपस में, ठीक है। जब एक एंगल आपको पता चल गया तो ऑफ कोर्स उसके साथ वाला जो है वो भी 46 होगा। हमें टू कंप्लीट छोटे वाला एंगल पता चल गया और हमें पूरा बी भी पता था, तो हमने दोनों को माइनस करके 14 डिग्री निकाल दिया, ओके।
सो दीज आर द स्टेप्स, आपको स्लोली स्लोली कैसे ट्रायंगल के बारे में सोचना है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी. ओके, एनी डाउट इन दिस? समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है, कोई स्टेप नहीं समझ आया? रेज योर हैंड. ओके, चलो इसकी प्रॉपर्टी लिखे फिर. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो है ही है, मुश्किल है. आई डोंट मीन सी, मतलब कि इट्स नॉट इजी क्वेश्चन, इसलिए मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ इसको. ओके, तो डजंट मैटर, घर पे दोबारा इसको रिवाइज करना, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी टुमारो. ठीक है? ओके, नाउ राइट द प्रॉपर्टी जो मैं बता रही थी आपको, की पॉइंट्स में जो आपने ऐड करनी है उसको लिखो जरा, राइट डाउन की पॉइंट्स में. हाउ मेनी पॉइंट्स वी रोट यस्टरडे, 7 और 8? कितने पॉइंट्स लिखे थे? सेवन. राइट डाउन 8 पॉइंट, उसके बाद कंटिन्यू करो. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लो. यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ए बी सी. इसको एंगल 1 लिख लो, इसको एंगल 2 लिख लो. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ध्यान से इसको सोच के लिखना, समझ के लिखना. मैं अभी आपसे पूछूंगी कि इसका मीनिंग क्या है. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. डायग्राम में लिखना भी है आपने जो जो मैंने मेंशन किया हुआ है. ओके, ए सेक्शन 7th A, सार्थक आ गया हो बेटा. इसका इसका मीनिंग क्या है बेटा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसका मीनिंग क्या है? यहां से यहां तक इट्स ओके. आपकी क्लास में किसको पता है? एनीबडी? पीछे मुड़ के देखो जरा, कोई बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है आपकी क्लास में? सार्थक? किसी ने बताना है मेरे को किसका मीनिंग ये है? ओके, चलो बैठो आप सार्थक से डाउन. किसी और सेक्शन से? चल ओके देन, लिसन है केयरफुली, ध्यान से सुनो कि जब हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू इक्वल साइड्स होती हैं, प्लीज रिमेम्बर ओनली साइड के अपोजिट एंगल, ये एरो ड्रॉ करो. यहाँ पे एसी का अपोजिट एंगल कौन है? एंगल बी, राइट? और एबी का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी. एरो ड्रॉ करो, आपको दिख रहा है अभी अपोजिट, मतलब उसके बिल्कुल सामने है. ठीक है, और बीसी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ध्यान से देखो, बीसी का अपोजिट क्या होगा एंगल? मैम एंगल यस, सबको दिख रहा है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. दैट इज, इसको अभी अपने मैथमेटिकल वे में लिखो, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी
देन एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। इसको आप क्वेश्चंस में यूज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस की, बहुत बार यूज होती है और आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे आपने इमीडिएट मेरे को बताया था कि इक्विलेटरल एंगल में एवरी एंगल 60 डिग्री होता है, फटाफट आपने बता दिया था बिकॉज उसको आपने यूज किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसको भी आप बार बार यूज करोगे और आपको पता चल जाएगा कि इक्वल साइड्स हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। अभी इफ आई राइट हियर कि ए बी इज इक्वल टू ए बी सी है, सपोज मैं यहाँ पे एंगल 3 लगा देती हूँ। इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, ध्यान से इसको देखना एंड टेल। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ऊपर हमने एंगल ए को बेटा 3 लिखा है, ठीक है। अभी सारे एंगल्स आपके सामने हैं, टेल मी अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा तो कौन से टू एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ए सर बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ध्यान से देखो ए बी के सामने वाला एंगल। मैम ए बी के सामने वाला, ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। एंगल टू हाथ खड़े करो जिनको दिख रहा है एंगल सी या फिर एंगल टू, वट एवर, दोनों का सेम ही है मीनिंग, दिख रहा है सबको। यस, देन एंगल टू इज इक्वल टू बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 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 बी सी के सामने वाला बेटा एंगल एंगल 3। यस, जो साइड्स की हम बात कर रहे हैं उन्हीं के सामने वाले एंगल्स, प्लीज रिमेम्बर। इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी देन कौन से एंगल इक्वल होंगे, ए सी इज इक्वल टू बी सी है तो चल एंगल वन यस बेटा, यस आई नो टाइम इज अप, लास्ट इक्वल्स देख लो एंगल वन इज इक्वल टू बीसी के सामने वाला है एंगल 3। प्लीज इसको रिवाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपकी क्वेश्चन में यूज होने वाली है। आई विल आस्क यू टुमारो, ओके। चलो सी यू टुमारो बेटा। टू।